बढ़ते आगे रुक कर लेंगे अगली बड़ी खबर का। पानीपत से बड़ी खबर, जहां कोहरा और प्रदूषण से थोड़ी राहत देखने को मिल रही है। दरअसल जिले में डेंगू का खतरा बढ़ गया है। रोजाना डेंगू के आधा दर्जन संदिग्ध मामले सामने आ रहे हैं। जिले में डेंगू के रोगियों की संख्या 295 पहुंच गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पानीपत में कोहरा फिलहाल थोड़ा कम हो रहा है। जिले में डेंगू का खतरा बढ़ गया है। रोजाना डेंगू के आधा दर्जन संदिग्ध मामले सामने आए। जिले में डेंगू के रोगियों की संख्या 295 पहुंच गई है। पानीपत में कोहरा और प्रदूषण से फिलहाल लोगों को जहां राहत मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं डेंगू का खतरा बढ़ गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसएससी ट्रेडर देवेंद्र कथुरिया जी फोन लाइन पर जुड़े। देवेंद्र जी, पानीपत से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कोहरा और धुंध से तो लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन डेंगू का खतरा अब लोगों पर मंडराने लगा है। 295 पहुंच गई है डेंगू के रोगों की संख्या, और लगातार इसमें इजाफा ही देखने को मिल रहा है। देखिए प्रगति, कई दिन तक करीब एक हफ्ता कोहरा भी रहा, फोग और स्मोक दोनों का असर रहा था एक हफ्ता, लेकिन अब पिछले कई दिनों से आज पांचवा छठा दिन है, धूप निकल रही है सुबह, मौसम कोहरा तो नहीं है, लेकिन अभी भी प्रदूषण तो है। प्रदूषण एक्यूआई घट बढ़ रहा है, एक्यूआई घट बढ़ रहा है, और कोहरा अभी पांच छह दिन से नहीं है, लेकिन उससे पहले जो लगातार एक हफ्ता फोग और स्मोक का जो असर था, उसी का है कि सिविल अस्पताल में खांसी के बुखार के बहुत सारे मरीज आ रहे हैं। 600 की ओपीडी बढ़ गई है, जो रूटीन में रहती है 600 लोग करीब, वो लोग हैं जो प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं कराते, गरीब लोग जो टेस्ट से डरते हैं कि टेस्ट डॉक्टर जाते ही टेस्ट लिख देते हैं, उस पर भी हजारों रुपए खर्च होते हैं, तो अस्पताल में लंबी लाइनें लगी हुई है। डेंगू भी उनमें से जो जिन लोगों को बुखार वायरल होता है, उनमें जो संदिग्ध केस है, करीब आधा दर्जन डेंगू के केस समझकर अस्पताल आ रहे हैं, उनकी भी भीड़ है। पुरुष वार्ड बिल्कुल फुल हो चुका है, पुरुष वार्ड में जगह नहीं है, और ओपीडी में भी बहुत जगह है, करीब मतलब जितनी ओपीडी होती थी उससे डबल हो गई है। अस्पताल में खड़े होने की जगह नहीं है, जो मरीज ज्यादा जिनको बुखार होता है, जो बेचारे गरीब तबके से आते हैं, उनको कई कई घंटे पर्ची बनवाने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। ओपीडी में पर्ची बनते हैं, तब जाकर डॉक्टर चेक करता है, चेक करने की भी लंबी लाइन है, और ओपीडी पर्ची बनवाने की भी लंबी लाइन है, तो कई मरीज तो बेचारे गश खाकर ऐसे गिर जाते हैं, तो स्थिति बहुत खराब है। बीमारियों का असर हो रहा है, जो प्रदूषण रहा है और जो कोहरा रहा है जी। उसका जो दोनों का डबल अटैक था, उसका असर यह है कि लोग खांसी जुकाम की वजह से अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, और उसके साइड इफेक्ट ये नजर आ रहे हैं। हालांकि मौसम अब खुल रहा है और एक या वो घट बढ़ रहा है, कभी 300 से ज्यादा, कभी 300 से कम जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।